मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप लोगों की आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम सेल ऑर्डर पढ़ रहे थे, सेल ऑर्डर में अपना सेल ऑर्डर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना है वो है आपका प्लास्टिड। सबसे पहले क्या होता है कि प्लास्टिड जो होता है वो एक माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। प्लास्टिक क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ओवल शेप का मतलब क्या होता है? अंडा का, अंडी के जैसा, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक ओवल शेप, लार्जेस्ट सेल ऑर्गनल्स, इन प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गन है, ठीक है? अगर बात की जाए एनिमल की तो कहता है अपसेट इन एनिमल सेल भी प्लास्टिड नहीं पाया। प्लांट सेल के साथ साथ एक और ऑर्गन है जिसको बोलते हैं प्रोटिस्ट, जिसका नाम है आपका यूगलीना। एक ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें आपका प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है? बाकी ये एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ठीक है? फंजाई में अब्सेंट होता है, फंजाई के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी अब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये अब्सेंट होता है। प्लास्टिड की अगर हम बात करते हैं तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के आधार पर प्लास्टिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, अलग है क्लोरोप्लास्ट। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से देखिएगा, ये केवल प्लांट सेल के हैं, यूग्लिना में, ठीक है, बाकी में नहीं। तो कहता क्या है कि हमारे पास ये तीन प्लास्टिड हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है इसकी वजह से प्लांट में ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है? याद रखिएगा, प्लांट में ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है कि कलरलेस प्लास्टिक, कलरलेस प्लास्टिक है। मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये क्या है? ये कलर्ड प्लास्टिक है, ये कलर्ड प्लास्टिक होता है। और कहता है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एंथेलसिस से पॉलन में निकलना और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टिग्मा पर जाना, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करता है। ये नहीं करता, इस प्रोटोप्लास्ट की वजह से फ्लावर में डिफरेंट तरीके के कलर प्रोड्यूस होते हैं। उन कलर को देख करके जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी बॉडी से चिपक करके पॉलन जो होता है वो इधर दूसरी जगह जाता है। ये याद रखिएगा, ग्रीन कलर को छोड़ करके प्लांट के जितने भी कलर प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तीन प्लास्टिक हमारे पास है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं पाया जाता, ये फूड का स्टोरेज करता है, क्रोमोप्लास्ट ही कलर प्लास्टिक होता है। प्लांट में डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, और फ्लावर में डिफरेंट कलर अट्रैक्टिव कलर की वजह से
जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी बॉडी से पॉलिनेट चिपक करके दूसरी जगह जाता है, तो हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर डालें। नेक्स्ट हमको पढ़ना है सेल इंक्लूजन। क्या पढ़ना है? सेल इंक्लूजन। तथा सेल इंक्लूजन जो होता है ये डेड पार्ट होता है, डेड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो डेड पार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? इसी को सेल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है यार, इसके इनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, पहला आता है रिजर्व फूड। साइटोप्लाज्म में जो डेड पार्ट आता है इसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं, तो डेड पार्ट को हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन। उसमें फर्स्ट पार्ट आता है रिजर्व फूड। बॉडी में प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ठीक है, अलग अलग बॉडी में जो रिजर्व फूड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है दाना, छोटे छोटे जो ग्रानी दाने होते हैं उन्हीं को ग्रेन बोला जाता है। जैसे आपका स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन्स, ये स्टार्च ग्रेन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपका प्लांट में, ठीक है ना। रिजर्व फूड ग्रेन्स के फॉर्म में, दाने के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो कौन होते हैं? स्टार्च ग्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में। दूसरा जो आपका है वो है आपका ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स जो होता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन, और ये एनिमल की बॉडी में लीवर में और मसल्स सेल में स्टोर होता है। ठीक है, और तीसरा आपका है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट जो होता है, ड्रॉपलेट आपका ये फैट सेल में स्टोर होता है। फैट सेल आपको पढ़ाया था मैंने पीछे, फैट सेल जो होता है उस फैट सेल में आपका ड्रॉपलेट, और ये ड्रॉपलेट किसका फॉर्म है? जैसे ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट, ये फैट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था इंक्लूजन बॉडी का, या सेल इंक्लूजन का फर्स्ट पार्ट क्या है? रिजर्व फूड। दूसरा जो पार्ट इसी में आता है वो आता है आपका वैक्यूल्स। सेकेंड पार्ट क्या है? वैक्यूल्स। हम वैक्यूल्स की जब बात करते हैं तो कहते हैं वैक्यूल्स होता है जनरली ये अब्सेंट होता है किसमें? पहली चीज अब्सेंट होता है वैक्यूल्स किसमें? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। एनिमल में और प्लांट में दोनों में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर एनिमल की बात करें, मेनी बट स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होंगे? छोटे होंगे, कई सारे होंगे लेकिन साइज में क्या होंगे? छोटे होंगे। और अगर हम यही प्लांट की बात करते हैं, अगर यही प्लांट की बात कर लें तथा प्लांट में जो वैक्यूल होता है कैसा होता है? सिंगल होता है। कैसा होता है? सिंगल होता है। और कैसा होता है? लार्ज होता है। और प्लांट से लगभग 50-70 पार्ट जो होता है वो वैक्यूल्स ही कंटेन करता है। उनको वैक्यूल्स क्या करता है? जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है उसकी तरफ अटके देता है, मतलब सेंटर में आपका क्या प्रोटेक्ट हो जाता है? वैक्यूल्स, और बाकी सेल ऑर्गन को सेल वॉल की तरफ धकेल देता है। दूसरी चीज हमसे कहता है कि वैक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अंदर, जैसे मान लीजिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है,
उसी तरीके से जो आपका वैक्यूल्स होता है, ठीक है, लिक्विड लिक्विड इनसाइड वैक्यूल्स के अंदर जो लिक्विड इनसाइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल सैक। क्या बोलते हैं? सेल सैक। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका सेल इंक्लूजन का सेकेंड पार्ट था। ये दो पार्ट आपके सेल इंक्लूजन में पाए जाते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका हम नेक्स्ट सेल आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट सेल आगे क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। जनरली न्यूक्लियस तो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम करते हैं ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट इन, अब्सेंट होता है इसमें प्रोकैरियोट्स। अभी ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस जो होता है क्या होता है? अब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट का होगा तो बताइए प्रेजेंट होता है क्या? ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहां? प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में। कहां प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी, इसके अलावा सील सेल ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का जो सील सेल होता है, फ्लोएम के सील सेल में भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ जाइलम, इसमें भी आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा, नॉर्मली आरबीसी में और सील सेल में न्यूक्लियस जब जर्मिनेशन का फॉर्मेशन होता है तो रहता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो वो डिसअपीयर हो जाता है। ये नोट कर डालिए। दूसरा हमसे कहता है कि नॉर्मली जो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कब? 1831 में। ये भी याद रखिएगा, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। दूसरा आपसे कहता क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ सेल। इसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। कंट्रोलिंग पावर जो सेल की होती है वो किसके पास प्रेजेंट होती है? वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। अब इसी में हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट की बात कर लें। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कंपोनेंट, तो कहते हैं न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो चार होते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सबस्टेंस के सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये न्यूक्लियस के सबस्टेंस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बोल सकते हो, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स के एक्सचेंज में जो मेनली हेल्प करेगा वो कौन हेल्प करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करेगा। इसको कैरियर थीटा भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो कैरियो थीटा भी बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम है, इसको याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है। दूसरा आपका है न्यूक्लियोप्लाज्म,
जैसे आप सेकंड पार्ट पढ़ते हो सेल के अंदर, वैसे आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये सेमी फ्लूइड कोलाइडर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये क्या होता है? सेमी, सेमी का मतलब आधा, सेमी फ्लूइड कोलाइडर ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ये आप जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पढ़ते हो वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? इसका मेन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और चौथा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर क्रोमेटिन। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? यही क्रोमोसोम्स होते हैं, यही से क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो होते हैं ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अगर कंपोनेंट क्या न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर में भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियर का सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कुछ भी इसके अंदर होता है वैसे ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस आपको राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और न्यूक्लियर क्रोमेटिन ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर में केवल एक चीज बचा हुआ है, क्रोमोसोम एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ में आपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उसको आपने कॉपी में नोट कर डालिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप उस पर पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।